हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी ई ट्यूटर के मेडिसिन सीरीज में। आज की हमारी मेडिसिन होने वाली है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। जी हाँ, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का बहुत ही पॉपुलर ब्रांड मेट्रोजिल 400 कभी ना कभी आपको डॉक्टर ने दिया ही होगा। तो ये मेनली करती क्या है कि बैक्टीरिया और पैरासाइट के द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने का काम करता है। वो इन्फेक्शन आपके लीवर में, पेट में, इंटेस्टाइन में, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, मस्तिष्क में, हृदय में, लंग्स में, हड्डियों में और स्किन पे जो संक्रमण, जो भी इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरियल या पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है उसमें ये ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है और बहुत ही कारगर मानी जाती है। तो आज हम देखेंगे मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी, यूजेस क्या होता है, क्या साइड इफेक्ट, क्या प्रिकॉशन, मतलब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो औरों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन के लिए आई बटन पर भी क्लिक करिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं डियर। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट जो हमारा होता है वो एक तरह से एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। जी हाँ, एंटीबायोटिक मेडिसिन करती क्या है, इन्फेक्शन से हमारा क्या करती है, लड़ती है। कौन से इन्फेक्शन? जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है, जो पैरासाइट्स के द्वारा इन्फेक्शन होता है। इसका पॉपुलर ब्रांड क्या होता है, मेट्रोजिल 400 हुआ, फ्लेजिल 400 हुआ, ये सारे मेट्रोनिडाजोल के क्या है, कंटेंट वाले हमारे टैबलेट माने जाते हैं। फिर बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल के यूजेस के बारे में, तो ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जी हाँ, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ब्लड में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, बोन्स में, जॉइंट्स में, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोमक में और इंटेस्टाइनल यानी आंतों में जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल उसको ट्रीट करता है। साथ ही साथ गम में जो अल्सर होता है और अदर जो डेंटल इन्फेक्शन हुए और लेग अल्सर हुआ, मवाद वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, इनको भी ट्रीट करने का काम करता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होते हैं यानी कि एमोबिक डिसेंट्री हो गया, यानी कि इंटेस्टाइनल में जो भी डिसेंट्री या इन्फेक्शन होता है उसको ये मेट्रोनिडाजोल टैबलेट क्या करता है, ट्रीट करने का काम करता है। बात करेंगे डियर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो जो मेट्रोनिडाजोल करता क्या है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। जब न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा यानी कि बैक्टीरियल डीएनए को क्या करता है, डैमेज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है डियर। फिर बात करेंगे डियर इसके कुछ साइड इफेक्ट की, तो मेनली इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, हेडक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होना, नौजिया या वोमिटिंग देखी जा सकती है, डायरिया या हार्टबर्न की कंडीशन आ सकती है और आपके स्टोमक एरिया में क्रैम्प्स आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया और मेटेलिक टेस्ट का आना इसके द्वारा क्या है, इसका साइड इफेक्ट माना जाता है। बात करेंगे डियर इसके क्या, इसके वार्निंग और प्रिकॉशन की, तो जो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है अगर उसका हाई डोज प्रोलॉन्ग टाइम तक आप यूज कर रहे हैं तो आपका नर्व डैमेज का क्या हो सकता है, रिस्क माना जा सकता है। और ये डोज आपको अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह के बाद ही आपको लेना चाहिए। और आप मेट्रोनिडाजोल टैबलेट ले रहे हैं तो 2 से 3 दिन तक आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लसिंग या हेडक की कंडीशन ला सकता है। और अगर आप लीवर के पेशेंट है, लीवर डिजीज है आपको, तो आप अपने डॉक्टर के क्या करने सलाह के बाद ही आप इसको क्या कर सकते हैं, लेने का काम कर सकते हैं डियर। बात करेंगे कि अगर अल्कोहल के साथ कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो डाइसल्फिलामाइड रिएक्शन हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, हाई बीपी की कंडीशन, लीवर डैमेज, इम्यून सिस्टम डैमेज या सीरियस हर्ट या एब्डोमिनल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। जी हाँ, मेट्रोजिल 400, फ्लेजिल 400, ये सब ब्रांड के कैटेगरी के ड्रग होते हैं जो कि आपके वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन में दिए जाते हैं। उम्मीद होगी आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगली मेडिसिन किसके बारे में बताएं कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखेगा। और मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप वहां पर विजिट कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।